पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन में समीक्षा करने आए बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा सर समाज की नब्ज टटोलने आए। लाइन पार में बसपा के जोनल इंचार्ज अरुण कुमार के यहां दोपहर के भोजन के लिए पहुंचे थे। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए कुशवाहा ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले हमें संगठन को और मजबूत करना है। सेक्टर अध्यक्ष बसपा का सबसे बड़ा नेता होता है, उसका सभी पदाधिकारियों को सम्मान करना है। बसपा एक ऐसी पार्टी है जिसने अपनी सरकार के समय में सभी वर्गों को सम्मान दिया और सभी वर्गों के लोगों को विधायक, मंत्री और पार्टी में उच्च स्तर का पदाधिकारी बनाया। हमारी ही पार्टी ने सबसे पहले जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के साथ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार बनाई। भाजपा झूठ के सहारे सत्ता में आकर आम आदमी का शोषण कर रही है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए हम लोग ताकत के साथ लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अपना संतक जो संगठन हमारा है उसको चुस्त दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने चारों बार कार्यकाल की उपलब्धियाँ लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। 15 लाख रुपए देने का झांसा देकर गरीबों के खाते खुलवा दिए, लेकिन खातों में एक रुपया नहीं आया। भाजपा धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही है। 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देने की बात करके 5 साल में 4 लाख लोगों को ही नौकरी दे पाए। किसानों को कर्ज माफी के नाम पर धोखा दिया। SC ST एक्ट में संशोधन भाजपा की वोटों की राजनीति का हिस्सा है। दलित सब जानते हैं, उन्हें खुश करने को संशोधन करके अपने कार्यकर्ताओं को विरोध करने के लिए सड़कों पर उतार दिया। एक पैसा वहाँ काला धन नहीं ले पाए और उसी प्रकार से 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। आज 4 साल में 8 करोड़ लोगों को इनके हिसाब से नौकरी मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी कुल 4 लाख लोग नौकरी पाए हैं, ऐसा सरकारी आंकड़े बताते हैं। दलितों के लिए लाए हैं कि हम दलित एक्ट मूल रूप में उसको लेकर के आ गए कि हम दलितों का वोट इनको मिल जाएगा। एक तरफ दलितों का वो संविधान में पूर्व में व्यवस्था थी, उसको मूल रूप से वापस लाने का काम किए आज कराए, और दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं को उकसा दिया। अपर कास्ट के लोगों, अपनी पार्टी के लोगों को, विशेषकर अपनी पार्टी के लोगों का कार्यकर्ताओं को उकसा दिया। वो जाकर के सड़क पर उसके खिलाफ बोल रहे हैं, उनके मंत्री उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये दोहरा चित्र भारतीय जनता पार्टी करती है। जब भी सरकार से कोई सवाल करता है तो ये लोग उस सवाल का जवाब देने की जगह पिछली सरकार को कोसने शुरू कर देते हैं। सपा के साथ गठबंधन के सवाल पर कहा कि ये फैसला हाईकमान का होगा, जो वो फैसला लेंगी वो सबको मंजूर होगा। भाजपा को इस समय बसपा से बहुत डर लग रहा है। हमारी पूरी तैयारी है चुनाव लड़ने की, अगर अकेले भी चुनाव लड़ना पड़ा तो सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। हो गया उत्तर प्रदेश में 4 साल हो गया दिल्ली की सरकार बनाए हुए, 4 साल तक ही खाली पिछली सरकारों की बात करते हैं। अगर मैं अभी डिबेट में आप लोग करवाते हैं, डिबेट में अगर कोई भी बच्ची, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी बच्ची दल का नेता, अगर इनसे क्वेश्चन करता है तो क्वेश्चन के जवाब नहीं, उत्तर नहीं देते हैं, ये क्वेश्चन के जवाब में क्वेश्चन करते हैं। अगर इनके पास उत्तर देने के लिए कुछ होता तो उत्तर देते हैं, ये उत्तर नहीं देते हैं। ये पिछली सरकारों का आज भी हवाला देते हैं, तो आखिर कब ये अपनी सरकार समझेंगे, कब ये काम करेंगे जो उन्होंने वादे, इसको कब पूरा करने का काम करेंगे? तो इन्होंने तो कोई वादा पूरा नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई है, गन्ना किसान बेचारा परेशान है। 4-5 महीने हो गया उसको गन्ना का सप्लाई किए हुए, किसी किसान का एक पैसा नहीं आ रहा। पेमेंट कब तक हुआ है? दिसंबर तक पेमेंट हुआ है, जनवरी में पेमेंट शुरुआत नहीं किया, लेकिन वही हमारी सरकार थी